तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब भी आप ना फोन पे से रिचार्ज करते हो तो यार आपका कुछ एक्स्ट्रा हिडन चार्ज यहाँ पे लगता है जब भी आप ना मोबाइल रिचार्ज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप फोन पे से रिचार्ज कर सकते हैं और आपका कोई भी हिडन चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। दोस्तों चाहे फोन पे हो चाहे पेटीएम हो, इन दोनों ही एप्लीकेशन पर अभी हिडन चार्ज यहाँ पे लगना शुरू हो चुका है, गूगल पे पर यहाँ पे नहीं लगता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप फोन पे से अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और आपका हिडन चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों आपके पास जिस भी कंपनी का सिम कार्ड है ना, तो आपको करना क्या, आपको उस कंपनी का यहाँ पे ऐप होता है वो डाउनलोड कर लेना। तो अभी आप देखते हैं एयरटेल का एयरटेल थिंग्स मैंने डाउनलोड कर रखा है, बीएसएनएल का बीएसएनएल सेल्फ करके डाउनलोड करके रखा है। अगर आपके पास वोडाफोन की सिम है तो वीआई ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, अगर जियो की है तो आपको माई जियो ऐप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो आपको जिस कंपनी की सिम कार्ड है ना, आपको उसी कंपनी का यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो अभी आपके सामने आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रिचार्ज करना है, आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एयरटेल थिंग्स ऐप है ना, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सिंपली अपने मोबाइल नंबर डालकर इसमें रजिस्टर कर लेना है। सभी एप्लीकेशन के अंदर सेम प्रोसेस है, आपको कोई केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या, यहाँ पे रिचार्ज वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएंगे। और दोस्तों एयरटेल थैंक्स ऐप की सबसे खास बात क्या कि आप किसी भी कंपनी का यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे पास एयरटेल का मोबाइल नंबर है। अब आपको करना क्या, आपको जो भी रिचार्ज करना है ना, आपको उस पर क्लिक कर देना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पे फोन पे का ऑप्शन यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हैं ये रहा फोन पे, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे 155 रुपए यहाँ पे लग रहे हैं, हमारा कोई भी हिडन चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। आपको पे पर क्लिक कर देना है। मैं सिंपली पे पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपका जो फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। देखते हैं आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। आपने फोन पे के अंदर जितनी भी बैंक लिंक करके रखी है ना, आप जिस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं आपको सिंपली उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। अभी आप देखते हैं पेटीएम बैंक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब आपको पे पर क्लिक कर देना है, आपका रिचार्ज यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके अंदर आपको अपने एम पिन डाल देने हैं। दोस्तों इस तरह आप अपना जो मोबाइल रिचार्ज यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, आपको एक भी एक्स्ट्रा रुपये यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।